Hello viewers, how are you? I hope that you would be fine. And as you know that in last video I talked to you people haves in a state verb. So today I am going to teach had as in a state verb. As you know that हर टेंस का हमारे पास हर सेंटेंस का हमारे पास एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। तो मैं पहली वीडियो में आपको प्रेजेंट पढ़ा चुका हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैड एज इन स्टेट वर्ड, यानी हम पास्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हैड इज अ वर्ड फॉर द पास्ट। हैड जो है वो हमेशा पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैड एज इन स्टेट वर्ड, ठीक है। हैड जिस तरह हमने हैव्स इन स्टेट वर्ब में पोजीशन पढ़ा था, रिलेशंस पढ़ा था या इलनेसेस पढ़ा था, इसमें भी हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास है और अगर प्रेजेंट होगा तो जैसा हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर लाइक प्रेजेंट है तो हम इसमें हैव या हैज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन चूंकि आपके पास पास्ट है तो हम हैड इस्तेमाल करेंगे। तो had subject plus had plus possession relation illnesses, इसका एक ही auxiliary verb है जिसको हम helping verb कहते हैं। helping verb एक ही है, this is we called did। ये did है और तमाम subject के साथ हम did ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो he हो, she हो, it हो, any name हो, या I हो, या we हो, they हो, you हो, इन तमाम के साथ हम एक ही word इस्तेमाल करेंगे, that is we call did। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैड ए कार, दिस इज वी कॉल अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी मेरे पास कार थी, ठीक है, बिकॉज वी आर यूजिंग फॉर पास्ट। याद रखिएगा आपके पास यहां पर हैव फॉर द प्रेजेंट है, हैड फॉर पास्ट है एंड हैड ऑल्सो यूज फॉर पास्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वी कॉल सेकेंड फॉर्म, देन वी कॉल थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म्स में हम इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि यहां सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी स्टेट वर्ब है, तो हम हैड इस्तेमाल करें। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। याद रखिएगा मेरे पास एक कार थी, अगर हम इसकी उर्दू लिखते हैं तो मेरे पास एक कार थी, ये हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव कैसे बनेगा, आई, अब जाहिर है आपको नेगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सिलरी वर्ब में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डिड है, तो अब जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो आप इस्तेमाल करेंगे आई, या इस्तेमाल करेंगे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे आई डिड। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्लू कि जहां पर भी जिस भी सेंटेंस में ये डिड आ जाए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, जहां भी आ जाए, व्हाटएवर, व्हेन, व्हेरेवर, जहां पर भी, जैसे भी, अगर आपके पास जहां डेड आएगा और आपको कोई वर्ब की फॉर्म लगानी है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव है, तो आई डिड नॉट, अब हमने इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, आई डिड नॉट हैव। अब हमने मैंने आपको पहले ही बताया, ऑलरेडी एक्सप्लेन, कि हैड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो फिर हम जहां डिड लगेगा वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई डिड नॉट हैव अ कार, This is we call negative sentence, ठीक है? ये हमारे पास negative sentence है। तो इसी तरह जब हम इसका interrogative बनाएंगे तो did I have a car question mark, This is we also call interrogative, यानी सवालिया। ये मैं पहले अपनी पहली वीडियो में क्यों हम इस affirmative और negative और interrogative और interrogative negative इस्तेमाल करते हैं मैं पहली वीडियो में explain कर चुका हूं। तो अगर आपको इन तमाम चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो डिड आई नॉट हैव अ कार, दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये हमारे पास कहलाती है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या मेरे पास एक कार नहीं थी? एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम जब हम डिड इस्तेमाल करेंगे तो क्या तमाम सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे? यस, द आंसर इज यस, यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे हो, या यू हो, या आपका ही हो, शी हो, इट हो, या एनी नेम हो, इन तमाम सब्जेक्ट के साथ ओनली वन
auxiliary verb is used, this is we call did. It did. अब तमाम मिसाल के तौर पे, we are having one more example. He had chairs. उसके पास कुर्सियां थी. If we are converting this sentence negative, he did not have chairs. उसके पास कुर्सियां नहीं थी. और जब हम interrogative बनाएंगे तो did he have chairs? क्या उसके पास कुर्सियां थी? क्वेश्चन मार्क. एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो डिड ही नॉट हैव चेयर्स. यानी अगर आपके पास कभी भी कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो पैटर्न हमारे पास यही बनता है फॉर द पास्ट. यानी अगर आपके पास यहां पास्ट है तो आप अफर्मेटिव का जुमला इस तरह इस्तेमाल करेंगी या करेंगे जो मेरे स्टूडेंट है, और अगर हमारे पास नेगेटिव है तो हम नेगेटिव इस तरह इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव भी इस तरह इस्तेमाल करेंगे. एंड गाइस लिसन टू मी केयरफुली कि इंटरोगेटिव में जहां पर भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो उसके लास्ट में हम जरूर क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं. तो ये कहलाता है हमारे पास इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. इस तरह से हम हैव्स इंस्टेड वर्ब फॉर द पास्ट हम इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं. और मेरी जो दिगर वीडियोस हैं उनका डिस्क्रिप्शन भी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है तो आप उसे देख सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको यकीनन एक बेल का बटन नजर आ रहा होगा, इसे दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से आप बाखबर रहें. थैंक यू वेरी मच.